ये सफर है हम तीनों का। मैं हूं अयाज लोनी, ये हैं हमारे शेफू उस्ताद, नाम है हसीबुल्ला, ये हैं उस्ताद मोहतरम अकरम लोनी। सुबह के 11 बजे गाड़ी को लोड करते हुए टेंट, स्लीपिंग बैग, प्रेशर कुकर और सिलेंडर उठाया है, क्योंकि हमारे साथ है शेफू उस्ताद, तो आगे हमें कुकिंग की कोई परवाह नहीं, और साथ में कैमरे का सामान रखते हुए। आज का हमारा सफ़र है नारान की तरफ, और इस सफ़र में आपको हम लोग मानसेरा के बारे में और उसके नाम के बारे में बताएंगे, केवाई के इलाकों के बारे में और साथ में कागान के इलाकों के बारे में। तो हमारे साथ रहिए और हमारे सफ़र का हिस्सा बने। यूँ हमारा सफ़र शुरू हुआ इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे से। जो आगे जाके कुछ देर के बाद हम लोग डाइवर्ट हो गए हज़ारा मोटरवे पे। जो हम लोगों ने रूट इख्तियार किया नारान के जाने के लिए, उस रूट पे दो टनल आते हैं, एबटाबाद टनल 1 और एबटाबाद टनल 2। एबटाबाद टनल 1 की लेंथ 1.7 किलोमीटर है और ये शिमला हिल पे बनाया गया है। इस शिमला हिल पहाड़ी के बेहतरीन मनाजिर को एंजॉय करें। हम इस टाइम पे मौजूद हैं मानसेरा में। चलें आपको इसके बारे में बताते हैं। मानसेरा का नाम मानसेरा इसलिए पड़ा, ये अंडर हुकूमत था मानसिंह के, जो गवर्नर जनरल था रंजीत सिंह का। तीन घंटे के सफ़र के बाद हम लोगों ने एक स्टॉप लिया है बालाकोट से तकरीबन 15 मिनट के फासले पर, ताकि हम लोग इन सीन्स को एंजॉय करें जो लश्करी और बहुत से प्यारे मनाजर की अक्कासी करता है। चलें शेफू उस्ताद की कुछ बातें सुनते हैं। शेफू उस्ताद, ये किस चीज का दरख्त है? ये लाई का है। क्यों तुम बलूचिस्तान में घूम रहे हैं क्या? ये लाई का दरख्त है। अब यहाँ माखी माखी होती है कि नहीं? माखी पकड़ी है? माखी नहीं होती, होती है। शेफ को थोड़ा चढ़ के देखो। उस्ताद आप बताओ ये किस चीज का दरख्त है? ये मुझे तो उसका लग रहा है, क्या कहते हैं, किस चीज का है शेफू? ये पाइन कोन से कहते हैं। ओह वाह वाह, शेफू को भी पता चल गया। बालाकोट पहुंचने पे हम लोग को याद आया कि हम लोग चटाई तो लाना भूल गए हैं। मेरे दोस्त चटाई लेने गए हैं, और चलें मैं आपको दिखाता हूं कुनार रिवर के कुछ व्यूज़। दोपहर के 3 बज चुके हैं और अभी हम लोगों को भूख लगी है,
तो केवाई पहुंचते ही हम लोगों ने एक स्टॉप लिया और वहां से अपने लिए कुछ पकोड़े और रोटियां ली। केवाई के बारे में बताएं कि ये 1512 मीटर की हाइट पर मौजूद है सतह समुंदर से। सफ़र को कंटिन्यू रखते हुए एक जगह आई जहां हम लोगों ने थोड़ा स्टे किया ताकि जो हम लोगों ने केवाई से खाना लिया था वो खा सकें, और आप ये मंज़र उस इलाके के देख रहे हैं। 5 घंटे के सफ़र के बाद हम लोगों ने एक स्टॉप लिया है केवाई के आगे, और अभी खाने की तैयारी कर रहे हैं और साथ में चाय भी पियेंगे ताकि जो सफ़र की थकावट है वो उतरे और मज़ा आए। ये राशन है अगले 8 दिनों के सफ़र का। चाय के सीन कुछ ऐसे हैं। सफ़र में एक कप चाय का मिल जाए और वो भी शेफ उस्ताद की बनाई हुई, तो थकावट के सीन सारे हो जाते हैं ख़त्म। फाइनली हम लोग नारान में पहुंच चुके हैं, लेकिन हम लोग नारान में स्टे नहीं करेंगे, हम लोग रुख करेंगे बटाकुंडी का। हम इस टाइम पे मौजूद हैं बटाकुंडी, और ये आप बटाकुंडी के होटल के सीन्स देख रहे हैं, और हमें यहाँ 1800 रुपये का कमरा मिला है, और हम लोग रात 8 बजे बटाकुंडी में पहुँचे हैं और अभी कुकिंग के सीन्स ऑन हैं। खाना वाना खा के अब थकावट है, और ये आप कमरे के सीन्स देख रहे हैं। चलें मिलते हैं अगली वीडियो में।